बहुत ही सत्कारयोग किसान साथीओ तुहाडा साडे यूट्यूब चैनल उत्तम खेती पंजाब दे स्वागत है। मैं डॉक्टर अमीक सिंह जिला सिखलाई अफसर गुरदासपुर, मेरे वालों सारयां नूं प्यार भरी सति श्री अकाल। जिवें कि तुसीं जानदे हो कि असीं वख-वख समें ते वख-वख विशेयां नाल संबंधित जानकारी तुहाडे नाल सांझी करदे रहिंदे आ, तां जो उह जानकारी तुसीं अपने खेती विच लागू करके खेती लागत खर्चे घटा के अपनी आमदन दे विच वाधा कर सको। अज दा साडा विशा रहेगा कि झोने की फसल दे विच खादा अते पानी की सुचज्जी वरतों किवें करनी है, तां जो इह प्रदूषित मुक्त जहर मुक्त पैदावार लई जा सके। सो किसान वीरो, जिवें कि तुसीं जानदे हो कि इस वेले पंजाब दे विच बरसात का मौसम चल रहा, पिछले कुछ दिनों तो लगातार बरसात जिहड़ी होई है उहदे नाल दरियावां दे विच पानी भी काफ़ी आया, कुछ थावां दे उत्ते जिहड़ा वा हड़ां वाली स्थिति बनी हुई है ते नीवें थावां दे उत्ते पानी जिहड़ा वा उह भर गया। सो इहनां जगह दे उत्ते पानी जिहड़ा वाधू खड़ा होया, इह जिहड़ा साडा कुछ साडियां फसलां चारे वालियां मक्की दी फसल आ, मक्की दी फसल, सब्जियां दी फसल आ, जां कुछ नीवें इलाके दे झोने दी फसल जिहड़ी ताज़ा लाई आ उहदे वास्ते थोड़ा हानिकारक है। आने वाले समय दे विच हो सकदा उहदे विच नुकसान होवे, पर ओवरऑल देखिए तो जिहड़े उच्चे इलाके आ जां खास करके बरानी इलाके विच जिहड़े आ उत्थे इहदा काफ़ी फायदा होया, क्योंकि उत्थे एक मक्की दी जिहड़ी बिजाई जिहड़ी आ उह टाइम सिर हो गई है ते झोने दी लवाई जिहड़ी आ उह वी टाइम सिर हो रही है। इस तों इलावा होर छोटी छोटी फसलां जिहड़ियां ने चाहे वह तेल आ चाहे माह ने उहनां दी वी बिजाई जिहड़ी आ उह तकरीबन जिहड़ी आ उह समाप्ति वल वध रही है। सो इस वेले देखिया गया कि झोने दी फसल दे विच पानी इस वेले जिहड़ा वा उह काफ़ी खेतां दे विच खड़ा वा, बरसात दा वी है। सो इस वेले सानूं वाधू पानी लाउण दी लोड़ नहीं है, साडियां मोटरां जिहड़ियां ने क्योंकि बिजली जिहड़ी आ उह पंजाब सरकार वल्लों 8 घंटे लगातार दित्ती जा रही है, पर इस वेले जिहड़ी आ उह सानूं करन दी लोड़ है कि अपनियां मोटरां जिहड़ियां ने बंद रखीए, क्योंकि कई बार देखदे आ कि मीह पैंदा हुंदा, बरसात चलदी हुंदी आ ते मोटर भी चलदी हुंदी आ, ट्यूबवैल भी चलदा हुंदा। सो उहदे नाल जिथे साडा जमीन हेठला पानी दा जिहड़ा वा उहदी वेस्ट जांदी आ, उहदी बर्बादी हुंदी आ, नाल नाल बिजली दी बर्बादी भी हुंदी आ। सो जेकर असीं चाहुंदे आ कि असीं आउण वाले समें दे विच भविख दे खेती नूं जिहड़ा सुरक्षित रखणा वा ते असीं सानूं जमीन हेठले पानी दा पद्धर जिहड़ा होर नीवां जिउं बचाउण लई इहो जिहे कदम उठाउणे पैणगे कि आपां जिहड़ा वा उह होर जिहड़ा नीवां ना जावे। सो इस करके जरूरी है कि आपां बरसात दे मौसम दे विच जरूरत अनुसार जे जिहड़ियां खेत दे विच आउण वाले समें कुछ जे बरसात नहीं पैंदी तां फिर जिहड़ा वा उत्थे जिहड़ा वा उह लोड़ अनुसार जिहड़ी आ ट्यूबवैल चलाया जावे, नहीं तां जिहड़ा वा उह जेकर बरसात है कि चलदी पई आ जां उहदे विच पानी खड़ा वा ते बिल्कुल जिहड़ा पानी ना लाया जावे। सो इह वी सिफारिश कीती जांदी है कि लवाई तो बाद 15 दिन दे तक जिहड़ा वा अहीं पानी जिहड़ा वा खड़ा रखदे आं रखणा वा, उस तों बाद जिहड़ा पानी जिहड़ा वा उह पहला पानी जीरन तो 2-3 दिन बाद अगला पानी जिहड़ा वा उह लाउणा वा। सो इस नाल जिहड़ा वा साडे 4-5 पानी जिहड़े आ उह बच जांदे आ, जिहड़ा कि साडी जमीन हेठों पानी जिहड़ा वा उह निकासी होणी उहदी वी बचत हो जांदी आ, पानी बिजली दी बचत हुंदी आ। सो इस करके बेनती इही है कि जेकर तुहाडी झोने दी लवाई नूं 15 दिन हो गए आ ते फिर जिहड़ा अगला पानी जिहड़ा आपां लाउणा वा जिहड़ा नवां पानी लावांगे ते पहला पानी जीरन तों 2-3 दिनां दे बाद लावांगे। सो इहदे नाल इक होर फायदा होगा कि कीड़े मकौड़े घट होणगे, बीमारियां घट होणगियां, क्योंकि उहनां नूं हवा मिलेगी, जड़ां नूं हवा मिलेगी, तणे नूं हवा मिलेगी ते जिहड़े तुहाडी शाखां नहीं ज़्यादा फुटणगियां। सो इस करके सारयां नूं बेनती है कि आपां पानी दी जिहड़ी सुचज्जी वरतों करिए, जिथे पानी खड़ा वा उत्थे तां है ही प्रॉब्लम है ही, जिथे मीह बरसात दा पानी खड़ा वा, पर जिथे इह पानी उच्चे कुछ उच्चे थां वा उच्चे खेत ने उत्थे जिहड़ा वा इह आपां तरद कर सकदे आ भी आपां हुण जिहड़ा वा उह सिल वर्गा पानी लईए, भी सिल सिर्फ आपां खेत विच सिल रखण दी लोड़ आ, ना कि पानी खड़ा करन दी लोड़ आ। दूजी गल कि खादां दी वरतों जिहड़ी आ, क्योंकि इस वेले जिहड़ी आ कई किसानां वल्लों लवाई तो बाद पहली खुराक जां दूजी खुराक पाई जा रही है, क्योंकि आम करके जिहड़ी आ जिहड़ी पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी दे किसान अते किसान खेतीबाड़ी दे किसान भाई विभाग वल्लों झोने दी फसल नूं 90 किलो यूरिया दी सिफारिश की जाती है, तो 90 किलो यूरिया जी 3 बराबर किश्तों के सिफारिश की जाती है। पहली किश्त जी 30 किलो आ वो लवाई तो जां पहला पा सकते हैं जां आप 7 दिन के अंदर अंदर पा सकते हैं। दूजी किश्त जी
तीजे हफ्ते ते तीजी जिहड़ी आ ओह छेवें हफ्ते। पर मैं कई बार देखदा कि किसान भी जिहड़े आ ओह 15-20 दिनां दे विच वी जिहड़ा वा सारा मुका दिंदे कम्म। सो इस नाल जिहड़ी आ तुहाडी जिहड़ी उहदी कार्यकुशलता वा यूरिया दी ओह बहुती नहीं हुंदी, उहदे नाल वेस्ट ज़्यादा जाती है। जे आपां 3 बराबर किश्तां दे विच जिहड़ा दस्सिया ही आ कि पहले हफ्ते दे विच तीजे हफ्ते ते छेवें हफ्ते दे विच जे पावांगे तो उहदी कार्यकुशलता वधेगी ते उहदी पैदावार ते जिहड़ा वा ओह असर पएगा। सो इस करके यूरिया की वरतों जी बड़ी सुचजी वरतों करनी है। इस दे नाल ही जिहड़ा वा आम के देखा गया कि यूरिया की दूजी या पहली खुराक के नाल ही बहुत सारे किसानों वालों सल्फर वगैरह आयरन डेफी आयरन फेरासल्फेट कई कुछ जिहड़ा वा वह खेती समग्री जी नाल पाई जा रही है। सो किसान भीरों इहदे नाल खेती लागत खर्चे वधदे आ। सो किसान पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी वालों सिफारिश की जाती है कि जेकर कणक की फसल में DAP की खुराक जी 55 किलो पूरी दी गई है तो फिर सानू झोने की फसल में पाने की लोड़ नहीं है। सो जेकर अं ताड़ी मिट्टी पर करवाई है जेकर पोटाश की जां फास्फोरस की घाट आ रही है तो फिर अं फास्फोरस जी जो डाया वो 27 किलो डाया पा सकते हैं, तो जे पोटाश की घाट आ रही है तो फिर 20 किलो पोटाश जी पा सकते हैं। इस तरह जिंक सल्फेट जी है जिंक सल्फेट भी किसानों वालों पाई जा रही है, पर वह भी देखा गया कि कुछ जोड़े 4-4 किलो पा रहे हैं, कुछ जोड़े है वो मोस्टली जो 4-5 किलो पा रहे हैं। सो ये जी है एक घट डोज है, मतलब कि अंडर डोज है। जेकर यदा कोई जो फायदा लेना तो फिर पूरी डोज पानी पेगी। वो वास्ते सूँ जेकर 33% ही पाँ 33% जिंक सल्फेट आ तो फिर सूँ जो जरा वा वह 15 किलो जिंक सल्फेट प्रति किलो हिसाब से पानी है। जेकर 21% आ तो फिर आप 25 किलो जी जिंक सल्फेट प्रति किलो हिसाब से पानी है। ये लवाई तो पहला भी पाई जा सकती है तो बाद भी पाई जा सकती है। सो इन आप जड़िया खादा ने जो जेकर पोटाश की घाट हैगी नीम पहाड़ी इलाके जोड़े आ इन्हों खाद करके जोड़ा वा वो पोटाश की घाट पाई जाती है उत्थे आप 20 किलो पोटाश जी प्रति किले हिसाब न वो आप पा सकते हैं। पर इतने भी ख्याल रखने वाली गल है कि जी जी पोटाश है वो पानी जी म्यूरेट ऑफ पोटाश 60% है, क्योंकि आम करके किसान भी जोड़े बाजारों 50-50 किलो की पैकिंग लै आए और जिंक फास जिंक लिखा जिंक ही है पर 19 जी मात्रा लिखा लिखा पोटाश ही है पर 19 मात्रा पोटाश नहीं हैगी 16% उत्ते लिखा पोटाश पर महंगी बहुत पैंती पी है। पर इस करके 60% वाली पोटाश ही आप लैनी है। सो इस तरह जोड़ा वा इस वे जोड़ा वा हड्डी झोने की फसल जी तकरीबन कई थावान जोड़ा वा वह 20-25 दिन की हो गई है। तो कुछ निजी अदारे जोड़े वो साढ़े किसान वीर को पहुँच के उन्होंने कुछ दानेदार कीटनाशक पाने की जी सिफारिश करते हैं। सो किसान वीरों इस वेले झोने की फसल के उत्ते किसी किस्म की कीटनाशक की जरूरत नहीं हैगी, क्योंकि ये जे देखिए तो 1.5-2 महीने तक किसी किस्म का कीड़ा मकौड़ा जोड़ा या बीमारी जी झोने की फसल उत्ते नहीं देखा जाता। सो वो जेकर अं दवाई पा भी दी तो फिर जोड़ा वा 2 महीने तक तो वैसे ही नहीं जोड़ा वा वो कीड़ा मकौड़ा होना, तो जे ना भी पाए तो भी नहीं होना। तो फिर आप जी दुकानदार जी कंपनियों वाले ज निजी इदारे वाले आने कि लोग दवाई पाई ही तो नहीं आया, पर अजी गल नहीं कोई नहीं आ। कुछ जोड़े उदारे जोड़े आने दसते हैं कि जेकर दानेदार कीटनाशक पावे तो फटारा बहुत होएगा, यहो जी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फटारा जोड़ा वो ताड़ी चो पनीरी की उम्र पर डिपेंड करता वा, जेकर आप छोटी उम्र की पनीरी लावे तो फिर साढ़ा फटारा जोड़ा ज़्यादा होएगा। जेकर आप जी ज़्यादा वीड्डी उम्र की जी पनीरी लावे वह फटारा जोड़ा घट होएगा। सो ये तो डिपेंड करता वा आप कीटनाशक जोड़ा वा कोई संबंध नहीं है खास करके दानेदार कीटनाशक वो करके आम करके किसान जोड़े ने जी दूजी डोज़ होंगी है दूजी किश्त जी यूरिया की वो ही पा के तो आप जो छट्टा दे दें तो अजिहा नहीं करना है। सो ये खेती लागत खर्चे वादे आ, तो जेकर अं अपने खेती लागत खर्चे घटा चाहते हैं तो फिर जो सिफारिशा की गई ने पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी से पंजाब खेतीबाड़ी तो किसान भलाई विभाग वालों उस अनुसार ही जोड़ा वो आप खेती समगरी जी अपनी फसल के पाइए ता जो अं पैदावार जी चंकी लै सकी बीमारियों तो जोड़ा वा कीड़े मकौड़े तो बचाव हो सकी है। तो जेकर कीड़े मकौड़े तो बीमारियों तो बचाव हो गया तो यह मतलब कि अभी कीड़े जी दवाइया से जो खर्चा होना वा वह भी बचाव होएगा। सो आप सियाने बनीए किसी के मगर लग के किसी के कहे के उत्ते कोई भी अजि चीज़ ना पाइए जी कि वाधू हो जेकर तुम लोड़ पी है तो फिर पाओ, जे कोई प्रॉब्लम आई है तो अपने खेती जी लागले खेतीबाड़ी दफ्तर ने उन्होंने जाके खेतीबाड़ी विकास अफसर खेतीबाड़ी विस्तार अफसर
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਖੇਤਰੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1800 180 1551 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਅਗਾਂਹ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।